हेलो फ्रेंड्स आज मैं प्लूटो का न्याय सिद्धांत के बारे में डिस्कस करूंगा इससे पहले के वीडियो में मैंने प्लूटो का जीवन परिचय पर चर्चा किया हूं अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके प्लूटो के जीवन परिचय को अच्छे प्रकार से समझिए क्योंकि किसी के सिद्धांत को समझने से पहले उनकी मानसिकता उनकी क्या उस समय की स्थिति थी उसको जानना अति आवश्यक है तो अगर नहीं देखे हैं तो जाइए पहले और प्लूटो के जीवन परिचय को देखें चलिए आज हम बात करेंगे प्लूटो के न्याय सिद्धांत को आप हम लोग पहले भी देखे थे कि प्लूटो के नज़र में सबसे महत्वपूर्ण न्याय ही चल रहा था आखिर क्यों क्योंकि सुकरात जो है वो अन्याय का शिकार हुआ था और सुकरात कौन था प्लूटो का गुरु था तो प्लूटो ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था रिपब्लिक अब हम बात करें कि रिपब्लिक की विषय क्या थी न्याय की प्रकृति ही थी और ज़्यादा जोर न्याय ही पर ही किया था क्योंकि सुकरात अन्याय का शिकार हुआ था इसलिए रिपब्लिक को उप के रूप में न्याय से संबंधित कंसर्निंग जस्टिस भी कहा जाता है रिपब्लिक का लेखन शैली संवादात्मक था प्रश्न उत्तर थे प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूछे जाते थे एक नाटकीय था ये और उत्तर कौन देता था सुकरात देता था और रिपब्लिक पुस्तक में तरीका कैसा था निगमनात्मक निगमनात्मक का मतलब है कि पहले निष्कर्ष निकाल लेते हैं उसके बाद व्याख्या करते हैं अब प्लूटो ने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था कि यहाँ के लोग पापी हैं अधर्मी हैं कैसे सुकरात जैसे ज्ञानी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकते हैं इसलिए वह एथेंस के सारे न्याय सिद्धांत का खंडन करेंगे तो प्लूटो के समय के उस समय न्याय सिद्धांत तीन प्रकार के होते थे पहला था परंपरावादी दूसरा था उग्रवादी न्याय सिद्धांत तीसरा था व्यवहारवादी न्याय सिद्धांत परंपरावादी न्याय सिद्धांत के प्रतिपादक थे सिफालस और पॉलीमार्कस सिफालस पिता था पॉलीमार्कस उसी का पुत्र था उग्रवादी का प्रतिपादक था थ्रेषि में और व्यवहारवादी का था गुलावकन अब चलिए एक-एक करके हम बात करेंगे कि परंपरावादी सिद्धांत परंपरावादी न्याय सिद्धांत में क्या सिफालस ने बोला क्या पॉलीमार्कस का कहना था न्याय क्या है फिर प्लूटो ने किस प्रकार से खंडन किया क्या उदाहरण देकर खंडन किया उस पर हम चर्चा करेंगे तो परंपरावादी न्याय सिद्धांत में सिफालस कहता है सदा सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुकाना न्याय है सिफालस का कहना है कि हमेशा सच बोलो अगर दूसरे के प्रति कोई दूसरा या भगवान के प्रति उसका ऋण जो है जो भी कार्य वो एहसान किया है उसको चुकाना ही न्याय है फिर सिफालस का पुत्र बोलते हैं पॉली प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है इनका कहने का मतलब है कि मित्रों के साथ मित्रता और शत्रुओं के साथ शत्रुता ही करना ही न्याय है अब प्लूटो के द्वारा क्या हुआ कि खंडन किया गया व्यवहार ये जो व्यवहारवादी सिद्धांत है परंपरावादी सिद्धांत है परंपरावादी सिद्धांत का खंडन किया कैसे किया सबसे पहले सिफालस ने बोला सत्य बोलना ही न्याय है तो उन्होंने उदाहरण के माध्यम से इसका खंडन किया अगर मान लीजिए कि एक सैनिक है वह किसी दूसरे शत्रु देश में स्थिति में फंस जाता है तो शत्रु देश द्वारा उस देश की उस सैनिक गृह राज्य के स्ट्रेटेजी के बारे में पूछे कूटनीतिक के बारे में पूछे कि तुम्हारे देश का क्या प्लान है अगर वो सत्य बोल देता है तो ये देश के प्रति अन्याय कर रहा है यह एक अपराधी है यह देश है उन्होंने दूसरा बात का इस प्रकार से खंडन किया जैसे ऋण चुकाना उन्होंने कहा कि अगर आप किसी से अस्त्र ले रहे हैं किसी से बंदूक ले रहे हैं और आपको पता चले कि कुछ दिन के बाद आप जिससे बंदूक लिए हैं वह पागल हो गया है वह अपना आपा खो चुका है तो अगर आप उसका ऋण जो बंदूक है अगर वापस कर रहे हैं तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं और समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं क्योंकि वह कुछ भी कर सकता है वह किसी को भी हानि पहुंचा सकता है तीसरा था पहचान पाना मुश्किल कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है और शत्रु के साथ शत्रुता मित्र के साथ मित्रता जो पॉली मार्कस ने कहा कि मित्र के साथ मित्रता न्याय है सही बात है लेकिन शत्रु के साथ शत्रुता करना ये न्याय कदापि उचित नहीं है क्योंकि आंतरिक जो नैतिकता के जो सामान्य सिद्धांत है उसी के ही विरोध है तो इस प्रकार प्लूटो ने परंपरागत सिद्धांत को खारिज किया और सभी लोगों ने इस बात को माना और सहमत भी हुए दूसरा था उग्रवादी सिद्धांत इसके प्रतिपादक थ्रेसी मेकस थे उन्होंने कहा न्याय शक्तिशाली का हित है शक्ति ही न्याय है उनका कहना था कि लोकतंत्र राजतंत्र या कुलिन तंत्र चाहे कैसा भी सरकार हो वह चाहेगा कि सरकार का हित हो और सरकार के हित के लिए वह कानून का पालन करवाएगा और कानून का पालन कैसे कराएगा शक्ति से इसलिए बोलता है शक्ति ही न्याय है उन्होंने तीसरा बात बोला कि अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति से अधिक सुखी है अन्यायी व्यक्ति कौन राज या शासक और न्यायी व्यक्ति कौन आम नागरिक उससे बहुत सुखी है तो अब प्लेटो इसका भी खंडन करेगा क्यों खंडन करेगा क्योंकि ये निगमनात्मक विचारधारा के हैं ये पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके हैं क्यों निकाले हैं क्योंकि उनके जो गुरु थे सुकरात उसके साथ नाइंसाफी हुआ है उन्होंने कहा शासन करना एक कला है और उसका लक्ष्य क्या होता है कि स्वार्थ सिद्ध नहीं वरण वस्तु के दोष दूर करना उदाहरण के लिए शिक्षक का कार्य क्या है विद्यार्थी के त्रुटि को दूर करना उनके गुप्त शक्ति को जागृत करना अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह अन्याय कर रहा है दूसरा न्याय आत्मा का गुण है उदाहरण के लिए अग्नि का गुण क्या है जलना या जलाना अगर अग्नि अपना गुण भूल जाए तो कैसे काम चलेगा अब वो कभी भूल ही नहीं सकता है तीसरा बोलते हैं न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है क्यों सुखी है आदर्श जीवन की प्राप्ति के लिए अगर हम वर्तमान समय भी देखें तो न्याय जो होते हैं वो ज्यादा सुखी होते हैं अब तीसरा था उदारवादी सिद्धांत उसका प्रतिपादन ग्लाकंत उन्होंने कहा न्याय कृत्रिम वस्तु है न्याय भय का उपज है तीसरा बोलते हैं न्याय शक्तिशाली का नहीं बल्कि दुर्बल का हित है उनका कहने का मतलब था कि न्याय कृत्रिम वस्तु है इसका मतलब कि लोगों ने मिल न्याय किया यह पहले से न्याय नहीं था और न्याय भय का ही उपज है उनका कहना है कि जो दुर्बल लोग थे उन लोगों को भय हुआ कि हमको अपने हित का रक्षा करना चाहिए तो उन्होंने कानून का नियम खिलाया और तीसरा कि ये शक्तिशाली का नहीं बल्कि दुर्बलों का हित है क्योंकि दुर्बल बहुत लोग हैं सब लोग मिल के शक्तिशाली को परेशान किया तो फिर वहाँ पे यह दुर्बलों का हित है तो प्लेटो द्वारा इसका भी खंडन किया गया यहाँ दे यहाँ देखने के योग हैं कि जो उग्रवादी थे थ्रेसी मेकर्स उनका क्या करना था कि वहाँ पे शक्तिशाली कौन थे शक्तिशाली का हित था यहाँ क्या बोल रहा है दुर्बलों का हित है दोनों एक दूसरे एक पॉजिटिव बोल रहे एक निगेटिव तो ये ऑटोमेटिक कोई तो एक सही होगा लेकिन नहीं प्लूटो को क्या करना था निगमनात्मक था उसका निष्कर्ष क्या था सबका खंडन करना है तो उन्होंने इनका भी खंडन किया प्लूटो द्वारा खंडन किया गया कि न्याय आत्मा का गुण है भय या शक्ति से नहीं बल्कि स्वभाव के कारण कानून का पालन करता है बोलता है कोई भी आम नागरिक या कोई भी आदमी वह जब कानून का पालन करता है वह भय से नहीं करता है शक्ति से नहीं करता बल्कि स्वभाव से करता है जिस प्रकार अभी हम देख सकते हैं जो अनुच्छेद इक्यावन ए में जो संविधान में कर्तव्य दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है वह स्वभाव से करते हैं राष्ट्रगान का सम्मान राष्ट्रध्वज का सम्मान उनका स्वभाव में है कोई भय या शक्ति से नहीं अब जब ये सब काम हो गया तो वहाँ के लोगों एथेंस के लोगों ने प्लूटो से ही पूछा भैया आप ही बता दीजिए तब न्याय क्या है न्याय किस चिड़िया का नाम है तब तो प्लेटो का अब चलते हैं न्याय सिद्धांत उन्होंने क्या कहा पहले क्या था कि जो सिफालस और पॉली मार्कर्स था थ्रेसी और ग्लाकन का न्याय था वो बाहें था बाहरी था लेकिन प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत होगा वो आंतरिक होगा आत्मा से होगा आत्मा का गुण होगा प्लूटो ने क्या किया कि राज्य में कुल चार गुण होते हैं उन्होंने बताया पहला न्याय दूसरा ज्ञान तीसरा साहस चौथा आत्मसंयम उन्होंने कहा कि अगर किसी में आत्मसंयम प्रधानता है तो वो उत्पादक बनेगा अगर उसमें साहस प्रधानता है तो सैनिक बनेगा अगर उसमें ज्ञान प्रधानता है तो शासक बनेगा अब जो एक न्याय बच गया उसके लिए अब न्याय क्या है उसका डेफिनेशन जानिए उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों को करना तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है उनका सीधा साधा कहना था कि कि उत्पादक सिर्फ उत्पादक का काम करे सैनिक सिर्फ सैनिक का काम करे शासक सिर्फ शासक का काम करे ये किसी में एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करे अगर ये नहीं करते हैं तो वही न्याय है अब हम लोग चर्चा करेंगे कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हैं पहला बात करें तो नैतिक सिद्धांत प्लूटो का जो न्याय सिद्धांत है वो नैतिकतावाद है कि मॉरल वैल्यू एक आदमी का स्वभाव दिखाता है कि स्वभाव कैसा होना चाहिए न्याय के प्रति प्रतिवेदनशील होना चाहिए दूसरा है कि विधिक नहीं बल्कि सार्वभौमिक है प्लूटो का कहना था कि ये कोई कानूनी नहीं बनाया गया है बल्कि ये सब कुछ के लिए सार्वभौमिक है सब के लिए बराबर है तीसरा है इन्होंने कहा अहस्तक्षेप का, का सिद्धांत यहाँ पे उन्होंने अहस्तक्षेप का सिद्धांत लाया क्यों क्योंकि जो सैनिक है जिसमें साहस होगा वो सैनिक ही करेगा जिसमें आत्मसंयम होगा वो उत्पादक होगा तो यहाँ पे और हस्तक्षेप का सिद्धांत लाया चौथा था कार्य विशेषीकरण उन्होंने सभी कार्य को बांट दिया सब स्पेशलिस्ट होंगे अगर सब लोग स्पेशलिस्ट होंगे तो क्या होगा कि एक व्यक्तित्व का भी विकास होगा और दूसरा समाज का भी विकास होगा व्यक्तित्व का क्या होगा कि वो अपने आप में अच्छे से उस कार्य में स्किल बढ़ेंगे उनके फिर अगर स्किल बढ़ते हैं तो वो समाज के लिए भी कारगर सिद्ध होगा पाँचवा है न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व एवं संतुलित धारणा है अब मान लीजिए कि आंतरिक तत्व है तो जीवन का है ही क्योंकि न्याय जो है क्या है आत्मा का है आत्मा का गुण है तो वो क्या करेगा आपके जो पांचतंत्र है पंच तत्व है नाक कान जीव त्वचा ये सबको अपने ज्ञान इंद्रियों को संतुलित करने का कार्य करेगा छत्ता है व्यक्तिवाद का विरोधी वह किसी इंडिविजुअल का न्याय नहीं करना चाहता वह सार्वभौमिक करना चाहते हैं पूरे समाज का करना चाहते हैं वहाँ के पूरे आम जनमानस का करना चाहते हैं सातवां दार्शनिक शासक प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसमें विवेकशील एक दार्शनिक शासक को कैसा होना चाहिए विवेकशील होना चाहिए निस्वार्थी होना चाहिए परायण होना चाहिए तो ये सब प्लेटो के न्याय सिद्धांत की, की विशेषताएँ हैं अगर अब हम चर्चा करते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं हैं अब कोई भी कार्य करे तो उसकी आलोचनाएं तो होते ही हैं सबका दो पहलू है पॉजिटिव और निगेटिव हम लोग को दोनों दिखाना है अब आलोचनाएं करना है तो उसमें कुछ कुछ आपको ध्यान देना है कि कुछ जो विचारक हैं उनका नाम लें पहला है कानूनी धारणा नहीं वरन एक नैतिक धारणा बोल रहा है कि उसमें कोई कानून तो था नहीं नैतिक पर है क्या पता वो कुछ करे या ना करे बाद में अपना नैतिक ही भूल जाए इसी संदर्भ में बारकर ने बोला कि प्लेटो का न्याय वस्तुता न्याय नहीं है वह केवल मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है कोई ठोस कानून नहीं है बार्कर का भी कहना सही है अब कोई व्यक्ति अगर अपना नैतिक ही भूल जाए तो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा कानूनी धारणा तो है ही नहीं उनका मन होगा तो करेगा न्याय नहीं मानूगा नहीं करेगा दूसरा आलोचना है दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित है बोल रहे इसमें कहना चाहता है कि दार्शनिक वर्ग जो शासक है क्या कर रहा है कि सारी शक्तियां उन्हीं को दे दे रहा है तो क्या गारंटी है कि वह सबका भला करे ही हो सकता है कि वह उसका भला नहीं करे तो इसमें क्या होगा समाज का अहित होगा ये अन्याय के और अग्रसर होंगे अगर हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करें तो बोलता है कि मनुष्य और समाज का सार्वजनिक विकास संभव नहीं ये बात भी सही है अगर कोई मनुष्य सिर्फ एक ही काम करेगा तो सार्वजनिक विकास कैसे संभव हो सकता है वह तो सिर्फ एक ही चीज़ जान रहा है दूसरे चीज़ का आदि ही नहीं है उन्हें पता कैसे चलेगा कौन काम कैसे कर सकते हैं जिस प्रकार उदाहरण लेते हैं कि हमको पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है इंटरेस्ट है लेकिन आपको खाना बनाने नहीं आता अगर आप कहीं जाएंगे तो आप खाना कैसे बनाएंगे कम से कम आपको मैगी तो बनाना आना चाहिए ना तो इसी प्रकार क्या होगा कि मनुष्य और समाज का सार्मिक विकास संभव नहीं हो सकता चौथा गुण बात करें आलोचना जो है गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं इनका भी कहना सही है क्या आधार है आप कैसे आधार कर रहे हैं किस बात पे कोई ठोस सबूत तो नहीं है कि आत्म किसी का साहस ज्यादा हो तो सैनिक बना दो वासना ज्यादा हो तो उत्पादक बना दो ये कैसे होगा संभव हो सकता है वो झूठ बोलता हो जिससे आप पूछे तो गुणों के निर्धारण का कोई आधार भी नहीं है पांचवा है कि वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित आप किसी वर्ग को सब पावर दे रहे हैं शासक को तो वहां पे क्या हो रहा है कि अगर उसे अधिक विशेषाधिकार देंगे अगर वह कुछ गलती करेगा तो उनको सत्ता से कौन उठाएगा सैनिक के पास उतना शक्ति है ही नहीं उत्पादक के पास शक्ति है ही नहीं तो किसी को वर्गीय विशेषाधिकार अधिक दे देना यह भी तो अन्याय है अगर छठा आलोचना देखे तो है अलोकतंत्रवादी का सिद्धांत लोकतंत्र क्या होता है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए आप यहाँ पे सिर्फ राजा बना दिए किसी एक को हो सकता है कि वो अयोग्य हो उसका वारिस अयोग्य हो तो यहां पे वो सिद्धांत फिट नहीं होगा ना कि राजा का राजा राजा का बेटा ही राजा बनेगा राजा वही बनेगा जो उसका सच्चा हकदार होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलोकतंत्रवादी है जहाँ लोकतंत्र है वहाँ यह सिद्धांत फिट नहीं होता है सातवा है अत्यधिक अनुशासनकारी अब अत्यधिक अनुशासनकारी यही है कि सैनिक जो है जिसमें साहस होगा वो सैनिक ही बनेगा जो आत्मसंयम है वह उत्पादक ही बनेगा अब कोई भी चीज एक ही चीज करते रहेगा अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हैं तो ज्यादा अनुशासन करना भी अन्याय है किसी को आप ज्यादा दबा के नहीं रख सकते और आठवां पॉइंट है कि वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना संभव नहीं ये भी आलोचना उचित है क्यों उचित है क्योंकि अब किसी एक देश का किसी राज्य का जनसंख्या वो करोड़ों में है अब अब हर घर में जाकर के पूछेंगे कि आपका क्या है आप किस में अच्छे हैं साहस में हैं किस में हैं कि न्याय है कि आत्मसंयम है क्या है तो ये सब पता करना भी बहुत ही जटिल कार्य है जो कि जमीनी स्तर पर अव्यवहारिक रूप से संभव नहीं है अगर सभी आलोचनाओं को मिलाकर सेवाइन विचारक का अगर बात करें तो उनका कहना है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अत्यधिक निष्क्रिय आत्मपरक अनैतिक अव्यवहारिक एवं अविश्वसनीय बताया है इनका भी कहना सही है तो फ्रेंड अब चलते हैं आखिरी कदम की अब मूल्यांकन कर लिया जाए तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि किसी का भी मूल्यांकन किया जाए तो उसमें आपको हमेशा उसका पॉजिटिव पक्ष को ही दिखाना पड़ता है आप उसके निगेटिव नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते क्योंकि आप उस समय के परिप्रेक्ष्य पे उनका मूल्यांकन करना है आधुनिक के समय में नहीं उस समय क्या दिशा था क्या स्थिति था उसको देख के हमें मूल्यांकन करना है तो चलते हैं मूल्यांकन करते हैं इनका कैसे थे प्लेटो का न्याय सिद्धांत की जो ये उपयुक्त विभिन्न आलोचनाएं की गई है वे त्रुटिपूर्ण है और अनुपयुक्त है क्योंकि आलोचकों ने उसे उस रूप में ग्रहण करने की चेष्टा नहीं की है जिससे प्रेरित होकर प्लेटो ने इस सिद्धांत की रचना की थी अधिकतर आलोचनाएं वैधानिक दृष्टिकोण पर आधारित है जो कि वर्तमान समय में न्याय का प्रमुख दृष्टिकोण है लेकिन प्लेटो के लिए यह एक वैधानिक प्रश्न नहीं था बल्कि सामाजिक नैतिकता का प्रश्न था जो उसके आदर्श राज्य में मानव संबंधों को आधार प्रदान करता है और यह बतलाता है कि किस तरह एक समाज लोक कल्याण रूप धारण कर अपने नागरिकों को सुखी और समृद्ध बना सकता है यद्यपि वर्तमान वर्तमान समय में भी अगर हम न्याय का सामान्य अर्थ देखें तो इसका अर्थ जोड़ना होता है और प्लेटो ने सभी वर्गों को समान रूप से जोड़ते हुए न्याय का सिद्धांत दिया है वर्तमान में जो विधिक न्याय का आदर्श भी प्लेटो का न्याय सिद्धांत ही है प्लेटो का न्याय सिद्धांत तब भी था और आज भी प्रासंगिक है अतः प्लेटो का न्याय सिद्धांत सामाजिक नैतिकता या सचरित्रा का पर्याय है जिसका वैधानिक न्याय के आधुनिक संकीर्ण विचार से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्लूटो के न्याय सिद्धांत को अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझने का प्रयास किया है तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ प्लूटो के अगले सिद्धांत के साथ तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव हैवे नाइस डे